सा स्टॉक था वो? एशियन पेंट था। एशियन पेंट्स में है उसका लेवल। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, एशियन पेंट का लेवल्स कितना है भाई? हाँ कितने में है लेवल्स? नरेश मेरे आवाज आ रहा हेलो भाई? मेरा आवाज आ रहा हेलो, मेरा आवाज नहीं आ रहा भाई? आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है ना। अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। ये हाँ एशियन पेन में लेवल्स कितना है भाई? 20 का है। में कौन सा ट्रेड किए थे? वही उसी को किए थे क्या? अरे यार 1313 हाँ13 सर, एशियन पेंट्स में से एस निकाल दीजिए। हाँ तो ओ, हाईएस्ट मुझे कौन सा दिख रहा है? यही है 4th मार्च। हाँ करेक्ट 4th मार्च है। 4th मार्च में कौन सा था एशियन पेंट? आज क्या हाइप था उसमें? आज उसमें सेल ही था सर। आज सेल किया था क्या? नहीं मैंने नहीं किया, उसको ट्रैक ही नहीं करना था आज। क्यों ऐसा? आज मैंने किसको? एचडीएफसी किया, एचडीएफसी। ओके उसको भी देख लेंगे। ओके ये कौन सा दिन पे था? 4th। करेक्ट। हाँ हाँ 4th में इसमें आपको बताया 20 लेवल से। करेक्ट। हाँ हाँ इसका हाई है 2863। इसका मतलब है 2863 एक मेरा लेवल हो सकता है 60। मैं हाँ अप्रोक्सीमेट मार्क कर रहा हूँ। बाद में इसमें जो लो था 2660 पे एक लेवल है। हाँ हो गया अगर अप्रोक्सीमेटली मार्क कर रहा हूँ। ओके हाँ ये मेरा मार्च का लेवल है। ओके ऐसे ही अप्रैल का देखे। क्या ये दिन पे दिख रहा है मेरे को? 28 पे। हाँ 28 का मतलब है ये वाला। करेक्ट। मैं क्या करूंगा? ओके इसमें करेंगे क्या? उसमें 260 260। करेक्ट। करेक्ट। इसमें 3160। मैं इसे अप्रोक्सीमेटली मार्क कर रहा हूँ। ओके हाँ हो गया। हाँ मुझे एक चीज बताना, इसमें टारगेट क्या है भाई? टारगेट ये 2858। 2858 नहीं है, 2856 है। हाँ 2860। 60 60। हाँ मैं इसे ही मार्क किया हूँ। तो इधर तक आना चाहिए, ये तो पता है ना आपको। कल हाँ आना चाहिए। हाइपो क्या है? कल हाइपो क्या है? कल भी सेल ही है सर। ओके फाइन। इतना पता है तो आपको। ओके आपने 12th को इसको ट्रेड किए थे। करेक्ट। हाँ 12th को किया था मैंने। ओके 12th को किया था, वो दिन पे भी इसका टारगेट वही था 2860। हाँ वही था। हाँ तो आपने क्यों इसको ट्रैक नहीं किया आज? आज आज मैंने इन्फीमे ट्रेड किया। करेक्ट। क्यों ट्रेड किया? हाँ क्या कल कोई स्टॉक सिलेक्शन में आया था? नहीं है। वो मुझे पता है उसका लेवल क्या है। किसको ट्रेड? मुझे तो पता ही है भाई, वो जो भी है 2478 आना ही है उसको। हाँ अगर आया नहीं है तो आना है। करेक्ट। अभी 2860 आना है इसको। करेक्ट। हाँ नहीं आया है तो आना है उसको। आपका वॉचलिस्ट से इसको हटाना नहीं है भाई, हाँ हाँ वो एक चीज है। ओके फाइन।
तो इसमें अभी ब्रेक इनसाइड हो रहा है, मानते हो? हाँ ब्रेक इनसाइड हो रहा है। तो आपने, आपको पता है भाई 2860 इसका टारगेट है, कल भी इसका हाइपो चलिए, क्या आपका रडार में हो सकता है कल ये वाला स्टॉक? आ सकता है, हो सकता है, फाइन। तो आपको ये समझ में आ गया भाई ये इसका लेवल है, करेक्ट? हाँ राइट, फाइन। मैं इसको हटा दो अभी? हाँ चलेगा, चलो हो गया। अगर ये हो गया तो हाँ, 28 इसका जो 28 था ना इसका हाईएस्ट, इसका जो भी क्लोजिंग है वीक क्लोजिंग हुआ था, करेक्ट? हाँ वीक, मंथ ऑन मंथ के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जो अप्रैल का हाईएस्ट जो पार्टिसिपेशन था उसका था 3260, उसके नीचे ही क्लोजिंग हुआ था लास्ट डे पे, देखो उसका क्लोजिंग क्या है, वीक है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि बुलिश नहीं है, मतलब बेरिश नहीं है, सेडवेस हो सकता है। हाँ। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ये ऊपर नहीं जा सकता है। ओके, ये तो एक पहला चीज हो गया। बाद में मैं जो भी देखा वो ब्रेक इनसाइड हो रहा है, उसका लेवल है अभी 2560, करेक्ट? 2860 वो लेवल तक आना चाहिए, इतना तो समझ में आ गया एक स्टॉक को देख के। ओके, बाद में मैं आपको 5, 4 या 5 फंडामेंटल्स का क्लास वीडियो भेजा था, करेक्ट? हाँ, उसमें ये चीज एक्सप्लेन किया है, इधर एक सपोर्ट है, हाँ करेक्ट करेक्ट, क्योंकि ये जब लो मार रहा था बाद में ये मतलब ये अंदर आ गया बाद में ऊपर गया, करेक्ट? सर नो, बाद में ये जब ऊपर गया मुझे लोअर एंड तो मिल गया, करेक्ट? हाँ लोअर एंड, मुझे अपर एंड भी चाहिए, क्या मैं इसको मार्क कर सकता हूँ अपर एंड बोल के? तो कौन से कैंडल को मार्क किया आपने? मैं रेड रेड कैंडल के जो भी हाई है उसको मार्क किया हूँ, क्योंकि इसके ऊपर गया, इसके ऊपर भी गया, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं दिया, लेकिन इसके इसका इसके ऊपर तो नहीं गया, लेकिन इसके ऊपर तो कोई कैंडल अभी नहीं जा रहा है, देखो। हाँ नहीं जा रहा है, मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब जब तक 3108 के ऊपर नहीं जाता है तो ये ऊपर नहीं जाता है। जब भी ये लेवल पे मुझे प्राइस मिलता है तो मुझे इसको शॉर्ट ही करना है। हाँ इतना समझ में आ रहा है आपको, करेक्ट? ओके, मुझे कल का, मैं 12th पे आता हूँ अभी, मुझे कल का चीज बताओ कि क्या है भाई इसमें, मतलब ये जो सपोर्ट है सपोर्ट पे ही है? हाँ सपोर्ट पे ही है अभी, सपोर्ट पे ही है ना, क्या मॉर्निंग हाँ इसके नीचे खुल सकता है? हाँ खुल सकता है। ओके, नहीं तो इधर किधर भी खुला बाद में इसके नीचे आके क्लोज हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हाँ, ये 2 दिन में वो लेवल पे लेवल तक आ जाएगा। ओके हाँ हाँ, मैं उसको हटा रहा हूँ अभी, इसको हटा रहा हूँ। आपने 12th को ट्रेड किए थे, करेक्ट? ये दिन को आपने ट्रेड किए थे, सर? हाँ सर, ये दिन पे, हाँ। जब ये दिन पे आपको ट्रेड किए थे आपको तो ये पता है भाई ये एक सपोर्ट है, करेक्ट? हाँ सपोर्ट है। हाँ, मुझे बताओ आपने किधर से सेल किए थे? मैंने सेल किया था 3070 से। मतलब क्या था एक्चुअली वो लेवल क्या है, मतलब मुझे बताओ, जब ये आपने ये दिन पे ट्रेड कर रहे होंगे, ओके? हाँ, तो उसका फिफ्थ और सिक्स में जो रेजिस्टेंस बना है, प्राइस और वॉल्यूम्स है, फिफ्थ एंड सिक्स था, उसके लोगों को मैंने मार्क किया था। हाँ कब फिफ्थ कब और बना सिक्स, था? फिफ्थ और सिक्स को, फिफ्थ और सिक्स में क्या बना था सर? रेजिस्टेंस बना था ना, ये बना था तो उसके लोग, हाँ, आपने इसको ट्रेड किए थे? हाँ ओके, रेजिस्टेंस बना है, फाइन, नो प्रॉब्लम। हाँ अब इसको ट्रेड करना, इसका मतलब है आपको ये तो सपोर्ट है, हो गया, मतलब ये लेवल को आपको सेल करना है, करेक्ट? हाँ 12th तक, करेक्ट? हाँ आपको इधर सेल किए थे? हाँ सर, नहीं मैंने एंट्री थोड़ा मेरी जल्दी हो गई थी, और क्यों? 305 जल्दी का मतलब क्या से है? और रिट्रेस होगा नहीं होगा इसकी वजह से मुझे एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, ये डर से मैंने मुझे एक जल्दी चीज एंट्री बताओ, ले ली। मुझे एक चीज बताओ, ओके? मतलब इसमें आएंगे, अभी इसमें आएंगे, मैं इसको देखेंगे अभी। मुझे एक चीज बताओ, जब आप कितने में किया था? 30 सॉरी, कितने में किए थे आपने ट्रेड? 30 एंट्री, 3056। 3056 का मतलब है भाई इधर किधर भी आपने किए थे, बाद में स्टॉप लॉस क्या रखा था आपने? 3070। क्यों भाई? वही जो लो था ना, जो सिक्स फिफ्थ का जो लो है उसी को आपने, मैंने, आपका गलती आपको पता नहीं है क्या? मुझसे क्या पूछ रहे हो?
क्या गलती था आपका? मेरे स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए था, मैंने उससे एग्जैक्ट रख दिया। स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं है, क्या है मतलब, क्या था एक्चुअली आपका, गलती क्या था? गलती सर मुझे पता नहीं चल रहा है, इसकी वजह से मैंने आपको कॉल किया था। सर आपका गलती है, आपको पता ही है ना भाई, ये लेवल से आपको ट्रेड करना है, करेक्ट? यही है ना, ये इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। आपको इधर एंट्री लेना था ना? नहीं सर, जिगजैग के बाद वजह से ना मुझे एंट्री थोड़ा देर में मिली, कंफर्मेशन करके जिगजैग मार देखेंगे भाई, अभी जिगजैग कभी देखेंगे। ये इधर हाई बना था, हाँ, तो इसके ऊपर गया तो इधर से, तो इधर से ये नीचे गिर रहा है, करेक्ट? इधर तक नीचे गिरा, हाँ, बाद में इधर तक ऊपर गया, हाँ, बाद में इधर तक नीचे गिरा है, करेक्ट? मतलब ये वीक हो गया भाई, हाँ वीक हो गया, वीक हो गया ना, मेरा इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे एक स्विंग लोअर स्विंग बन रहा है, करेक्ट? अभी क्या होना चाहिए, हाँ, जो भी लोअर स्विंग आएगा उसको टूट के नीचे आना चाहिए, करेक्ट? हाँ हाँ अभी क्या कर रहे हैं ये, मतलब ये जो ऊपर जा रहा था, इधर से ऊपर जा रहा था इधर, फाइन, इधर से सेलिंग किधर शुरू हुआ, सेलिंग शुरू हुआ, मैं क्या ये बोल सकता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं अभी, हाँ, क्या ये कैंडल से बोल सकता हूँ क्या सेलिंग, इसके ऊपर नहीं जा रहा है ना, ये कैंडल से हो रहा है, हाँ, मानते? आपको इधर से सेल करना है ना, ये लेवल से 3063 था, ये लेवल्स को, यही है ना लेवल, जब शॉर्ट होने शुरू होता है, जब ये लोअर लो बना, आपको पता लगा ना भाई ये हाई बन गया बोल के, करेक्ट? मतलब ये हाई तो बन गया ना अभी, जब ये कैंडल बना था, है ना, हाँ, तब अगर आपको हाइपो शॉर्ट है, ये आपको पता होता है ये लेवल को ट्रेड करना है, तो ये लेवल को आप मतलब ये लोअर लो बन गया, मतलब इसका मतलब है ये लोअर हाई बन गया क्या ये स्विंग? हाँ लोअर हाई बन गया, करेक्ट है ना, ये लोअर लो भी है, हाँ, अभी क्या है ये टूट के नीचे गिरना चाहिए और गिरेगा, मतलब आपका स्टॉप लॉस जो भी है इसके ऊपर रहेगा, आपका स्टॉप लॉस अभी आप ही बता दो मुझे, आपको तो पता है ये लेवल है ना, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, करेक्ट? हाँ, तो ये लेवल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, हाँ, ये लेवल मेरे एंट्री 1230 का जो कैंडल है, डोजी टाइप कैंडल जो है, हाँ, उसके ऊपर मैंने क्या एंट्री ले ली थी, तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये रिट्रेस नहीं होगा, गिर जाएगा मार्केट, अगर रिट्रेस नहीं होता है ना उसमें मूवमेंट नहीं आएगा सर, ओके? मैं बताता हूँ क्यों, अभी देखो इसमें क्या है, अगर कोई स्टॉक है आपके में रिट्रेस, बिना रिट्रेस वो नीचे गिरा है, है क्या कोई? अभी कोई है तो मैं बता सकता हूँ, ओके फाइन, क्या इतना इसमें गलती समझ में आएगा ना भाई? हाँ हाँ समझ में आ गया, ओके, बाद में इसमें और एक चीज है, अभी ये लो टूटा ना भाई, हाँ, आपको इधर से एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो ये लो टूटना चाहिए, अच्छा, ये लो टूटने के बाद आपको ट्रेड करना है, हाँ, बाद में और एक चीज है, जब ये स्विंग्स बनता है ना सर, ये जो स्विंग्स बनता है ना, आपको जो भी सेल करना है हायर स्विंग से आपको सेल करना है, ओके, वो कंफर्टेबल है, ओके ठीक है, आपको तो पता ही है ना फंडामेंटल एनालिसिस की, इसमें इसमें तो हाई को सेल ही है, आपको कोई स्विंग का हाई से, ये स्विंग से, ये स्विंग से, हाँ, नहीं तो ये स्विंग से, हाँ, आपको ट्रेड करना है। अभी देखो क्या है, इसमें क्या हुआ, उसके बाद इधर तक लो टूटा, करेक्ट? हाँ, बाद में इनमें हाईस टूटने लगा, करेक्ट? इधर हाँ, तक ऐसा ना, ये हाई स्टूडेंट था, इनफैक्ट मैं एंट्री इधर कर दिया है ना, हाँ कर दिया वहां पे। देखो आइडियली क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हाई स्विंग्स होता है ना उधर, आपको किधर कभी भी ये लोअर स्विंग्स पे एंट्री नहीं लेना है, ओके? ओके, हाँ, बाद में और एक चीज है, मैं इसको हटा रहा हूं अभी, बाद में ये रिट्रेस किया था ना भाई, ये मतलब ये नीचे लगाया, रिट्रेस किया, नीचे आया, करेक्ट? हाँ, मैं इसको हट, ओके रहने दो, मैं ये वो दो लाइन को यूज कर रहा हूँ अभी, जब ये रिट्रेस कर रहा था ना भाई, क्या ये लेवल को इसने टूटा था, ये लेवल पहला जब रिट्रेस किया था, ये हायर है, ये कैंडल को इसने हाई टूटा था, करेक्ट? थोड़ा था, हाँ, हाँ, बाद में ये रिट्रेस जब खत्म हुआ, ये लेवल आपको कब, ये रिट्रेसमेंट का जो ये लो था, ये कैंडल ने टूटा, करेक्ट? नीचे आ रहा है करके, हाँ, ये कैंडल है, आपका एंट्री ये जोन्स में होगा सर,
ये आपका आइडियल एंट्री है। ओके ठीक है सर, ये आपका आइडियल एंट्री है। जब भी इसके नीचे भी मतलब नीचे भी गया, ये आपका इधर एंट्री करेगा ही, इधर आपको एंट्री देगा ही। ओके ओके, नेक्स्ट डे भी देखो क्या वही लेवल को सपोर्ट बना के ऊपर गया। हाँ वही वहां से गया। हाँ बाद में, और एक चीज है भाई, मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, सारे लेवल्स को हटा रहा हूँ। ओके हटा रहा हूँ। ओके हो गया। हाँ हो गया सर। इसका हाइप हो गया सेल सेल ही है ना, ये तो आपको पता है करेक्ट। हाँ हाँ भाई, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी शुरू से देख के आ रहा हूँ ये मंथ का जो भी है, उधर से शुरू से देख रहा हूँ। नहीं तो अभी आपने 11th को ट्रेड किया था करेक्ट, गलती इधर था आपका, मतलब ये समझ में आ गया तो समझ में आया। मैं एक तो इसके एक्सप्लेन किया हूँ, आप फॉलो नहीं कर रहे भाई, वही प्रॉब्लम है। हाँ, और कुछ नहीं है, ये 12th को आपने ट्रेड कर रहे करेक्ट। हाँ 12th को आपने ट्रेड किया था करेक्ट। ओके चलो, ये जब वो 12th को ट्रेड किए थे, उसका पहले का वॉल्यूम रिकॉर्ड कब आया था भाई? क्या ये दिन पे कोई वॉल्यूम रिकॉर्ड था क्या? नहीं था। देखो इसका हाईएस्ट जो वॉल्यूम है मुझे दिख रहा है भाई, ये कैंडल में, सॉरी ये कैंडल में इसका वॉल्यूम रिकॉर्ड है, इसमें कोई वॉल्यूम रिकॉर्ड नहीं है करेक्ट। हाँ नहीं है। वॉल्यूम रिकॉर्ड नहीं है। चलो अगर ये वॉल्यूम रिकॉर्ड नहीं है तो इसमें तो वॉल्यूम रिकॉर्ड है। हाँ उसमें है। ये वॉल्यूम ये दिन पे ब्रेकआउट है करेक्ट। हाँ ये कौन सा वॉल्यूम को ब्रेक किया था भाई, मुझे बोल सकते हो, बता सकते हो क्या? ये लेवल को इसने ये किया था, ये वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम था इसको इसने ब्रेक किया था ना भाई? हाँ सही है, समझ में नहीं आया तो मुझे बताना। हाँ ये वॉल्यूम रिकॉर्ड किया था करेक्ट, इतना मानते हो? हाँ किया था। ये कौन सा वॉल्यूम को ब्रेक किया था? ये जो ये दिन का ये 9th का हाईएस्ट जो वॉल्यूम है वो कौन सा था फर्स्ट कैंडल है सर 9:15 वाला। भाई? इसमें 34,000 है, अभी इसमें 36,000 है, कौन सा बड़ा है? मुझे तो ये फायर्स में अलग दिखा रहा है, फर्स्ट कैंडल दिखा रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ 36 है, 34 है। ओके मैं ये चार्ट को यूज कर रहा हूं, तो इसको इसको मानू क्या अभी? नहीं, आप ही के हिसाब से बता दीजिए ओके, करेक्ट चार्ट। ये वॉल्यूम जो है इसने जो ये लेवल को ब्रेकआउट किया था करेक्ट, हाँ आपने 12th को ट्रेड कर रहे हो करेक्ट। हाँ समझ में आ रहा है, वो हाँ लेवल पे उसने सपोर्ट ले रहा है। अभी दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत होना, अभी वेट करना, मैं उसको दिखाता हूँ। अभी इसने क्या किया था भाई, आपको तो पता है ये मतलब ये शॉर्ट ट्रेड है करेक्ट। हाँ हाँ, ये जो लेवल ब्रेकआउट किया था ये वाला किया था, लेकिन बाद में इसने इसको ब्रेक किया था करेक्ट। हाँ करेक्ट। भाई देखना, ये जो मार्क कर रहा हूं, ये वॉल्यूम इसको ब्रेक किया था। हाँ सही है। हाँ भाई, इसके नीचे आपको सेल मिलेगा, नहीं तो इसके ऊपर से आपको सेल मिलेगा, क्लियर है ना? दिख रहा है, ओके हाँ दिखा दिखा। दिख रहा है ना? ओके हाँ, ये लेवल्स को आपको मार्क करना है। ओके अभी इसको हटा रहा हूं। अभी भाई ये सब कुछ मैं बताया हूं, आप फॉलो नहीं कर रहे हो, और कुछ नहीं। कितने बार वीडियो देखा है आपने बताओ? देखा है 2-3 बार देखा है सर। नोट्स किया है क्या? ये चीज आपको पता है क्या, ब्रेकआउट वॉल्यूम को देखना? हाँ पता है सर, लेकिन कभी अप्लाई नहीं किया मैंने उसको। अप्लाई नहीं किया तो कैसे होगा? ओके चलो। हाँ हाँ भाई, मतलब देखो ये तो हो गया, हो गया मतलब ये इसका वॉल्यूम था। ओके चलो हो गया। मैं इसको, हाँ आपने अभी देखिए इसको सेल, हाइपो तो सेल ही है ना भाई, सेल ही करना है करेक्ट। चले। हाँ सेल हाँ करना। क्या ये दिन पे ब्रेकआउट था? नहीं था। ओके क्या ये दिन पे ब्रेकआउट था? नहीं वो दिन पे भी नहीं था। ओके क्या मेरा ये दिन पे ब्रेकआउट नहीं? ये भी ब्रेकआउट नहीं है नहीं है।
अभी मेरा लास्ट ब्रेकआउट था भाई वो था ये दिन पे, करेक्ट? हाँ बहुत छोटा दिख रहा है, ये लास्ट ब्रेकआउट था, करेक्ट? हाँ सर तो मैं जो ब्रेकआउट किया था ए लेवल को, इसने ब्रेकआउट किया था, करेक्ट? हाँ सर ए लेवल है तो आपका, देखो ये माइक्रो एनालिसिस है, मैक्रो नहीं, मैक्रो में आपको पता है चले ना, आपको ये हाँ लेवल को आपको ट्रेड करना था। ओके ओके, कोई स्टॉक उठा के देखो, यही होता है। आज भी मिल जाता सर आज भी मिल जाता है, मतलब कल भी मिल जाता है, टाइम कल भी मतलब कल टुमारो मिल जाता है। इसमें क्या है, अभी ब्रेकआउट है, करेक्ट? हाँ ब्रेकआउट है अभी देखो अभी जो ब्रेकआउट हुआ था, अभी तक का जो भी ब्रेकआउट है वो वाला, ये वाला कैंडल था, करेक्ट? हाँ क्या इसके ऊपर कोई ब्रेकआउट आया क्या? नहीं आया ये घूम सकता है जब इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आता है, अगर मान लो इधर कोई लेवल पे, समझ में आ रहा है ना? हाँ ओके, ओके ठीक ये लेवल पे इसको ब्रेकआउट होना, इसको हाइपो तो सेल है तो कैसे ऊपर से ब्रेकआउट होगा? हाँ हाँ, ये लेवल को मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा। ओके, हाँ बात है, क्या होता है, हम क्या बोलते हैं भाई, हाँ अगर ब्रेकआउट तो हुआ है, अभी क्या है, जब लोस टूटता है ना, लोस टूटता है, करेक्ट? हाँ ये तो ब्रेकआउट हो गया, मतलब ये लेवल है, जब लोस टूटता है उधर से उसको मूवमेंट मिल जाता है। ओके, इसका ओके मतलब है अगर मान लो आज आपको ट्रेड करना है ना, माइक्रो लेवल क्या है, माइक्रो लेवल ये है, ये क्या लो वोलेटाइल था, ओके, क्या ये हायर आई था, करेक्ट? ये हायर आई था, हाँ करेक्ट? ओके चलो, ये अगर ये हायर आई था तो क्या ये लेवल को मैं मार्क कर सकता हूँ? रेजिस्टेंस ना सर कैसे, क्यों? ये फंडामेंटल ऊपर रेजिस्टेंस जाके है, हाँ क्या ऊपर था, जाके नीचे ये क्लोज हुआ ऊपर है जाके ये इधर क्लोज होता है, रेजिस्टेंस है, करेक्ट? हाँ क्या ये लेवल को मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं तो आसान है भाई, मतलब कैसे होगा, ये सेल हाइपो है, अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्यों टूटेगा भाई, हाँ है ना? नहीं टूटेगा ना, तो आपको ये मेथड से आपको ट्रेड करना है। कल भी इसमें सेल ही है भाई, 3856, 2860 इसका टारगेट है। हाँ ओके, वो चीज आपको देखना हाँ बाद में। मैं फर्स्ट ये हाईएस्ट वॉल्यूम डे आया था, हाँ सर बाद में इसका जो भी पोजीशंस है, ये एक मिनट लेवल है, मानते हो? हाँ सर कितना है, 63, 1 3 1 6 3, 3 1 6 3, 3 1 6 3, 3 1 6 3 के नीचे क्लोज हो गया ये दिन पे, हाँ हो गया 3 1 6 उसके नीचे क्लोज हो गया, करेक्ट? तो क्या ये मंथ का हाईएस्ट वॉल्यूम भी आ गया, पोजीशन बने हाँ आ गया बना है ना? ओके चलो, अगर ऐसा है तो क्या नेक्स्ट डे पे अलाइनमेंट हो गया? हाँ हो गया सर हो गया ना, तो अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि भाई जब भी प्राइस 126.95 के ऊपर जाना जाने को ट्राई करता है, ये शॉर्ट होगा इधर से। ओके जब भी, अभी ये कौन सा दिन था, जब भी 3070 के नीचे, थर्टी हाँ सेवेंटी के नीचे रेजिस्टेंस बना के नीचे गिर सकता है, क्लियर है ना? ये कौन सा दिन था, 5th मई, मैंने भी वही रेजिस्टेंस मार्क किया था हाँ फाइन है ना? देखो जब इसके ऊपर जाता है प्राइस, लोग उसको शॉर्ट कर लेते हैं। ओके ओके, हाँ सर बाद में जब भी इसके नीचे भी है, हाँ बाद में, उसके बाद भी अलाइनमेंट है क्या? इनफैक्ट इसने क्या किया, ये जो 70 है इसके नीचे क्लोज दे दिया क्या इसने, हाँ 70 दे के दिया नीचे, है 70 हाँ नीचे इसने क्लोज दे दिया है, करेक्ट? तो अभी नेक्स्ट डे तो मूवमेंट आना चाहिए, डाउन साइड पे हाँ आना चाहिए आ गया,
आगे 38 295। हाँ मतलब ये क्या किया, ये जो लो के नीचे जाके ये लो के ऊपर क्लोज हो गया। क्या मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है? एज अ सपोर्ट मान सकते हैं उसको। है क्या उधर ही है प्राइस? हाँ उधर ही है। क्या आपको ये तरीके से आपको देखना है भाई, और कुछ नहीं है। आपको पता है ये एक सपोर्ट है करेक्ट? हाँ सर। पर मैं एक रेजिस्टेंस बना है, इसका नीचे गिरना है। अभी क्या करेगा, ये लोअर एंड है ना भाई, कल देखो कल करना अच्छा नहीं है इसको, कल भी कर सकता है क्योंकि लो वॉल्यूम से लो टूटा है, कल भी मूवमेंट मिलता है। दो दिन का मैं बताता हूँ भाई इसमें क्या होता है, ये टूटेगा कल। ओके ये कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, गिरेगा। ब्रेक इनसाइड ट्रेड कर रहे हो, ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो? ब्रेक इनसाइड सेल करना है ना। हाँ रेजिस्टेंस से सेल करना पड़ेगा मुझे करेक्ट सर? नो यस सर। हाँ जब कोई रेजिस्टेंस बनेगा और रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस से एक गिरेगा, गिरने के बाद ये किधर भी क्लोज हो सकता है। मान लो ये अप्रैल मार्च का, अप्रैल का लो ये वाला था करेक्ट? इसको क्लोज करके जो भी करके ये क्लोज देगा, क्योंकि क्लोज करना ही है ना भाई, क्योंकि 286 इस पे जाना है ना इसको। कल क्या करेगा इसने, हाईएस्ट वॉल्यूम से ये नीचे ये लेवल को ब्रेक करेगा। हाईएस्ट वॉल्यूम से मैं ऐसे ही प्रेडिक्शन बना रहा हूं। ओके हाईएस्ट वॉल्यूम से, हाईएस्ट वॉल्यूम से ये क्या करेगा, ये जो लो प्राइस था इसको ब्रेक करेगा, इस सपोर्ट को। ये सपोर्ट को हाईएस्ट वॉल्यूम से ब्रेक करेगा। नेक्स्ट डे क्या होगा, जब ये हाईएस्ट वॉल्यूम से नेक्स्ट डे गिरना है, थोड़ा ऊपर जाके ये इधर तक आ जाएगा भाई। दो दिन में एक ट्रेड बना के दिखाता हूँ आपके। ओके आपको भी करना है? हाँ सर। हाँ तो आपको ऐसे करना है। हाँ और कौन से किसमें किए थे आपका ट्रेड? HDFC में किया था। मैं इन्फी में किया, वो समझ में आया? हाँ सर आया। आया है ना मतलब? हाँ जो भी है सेल ट्रेड है, सेल ट्रेड है इसमें। सेल ट्रेड है तो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस से सेल करना है मुझे करेक्ट? रेजिस्टेंस से मुझे सेल करना है, मुझे कोई ना कोई रेजिस्टेंस को पकड़ना है अभी। ओके अभी क्या होगा, ये वाला था करेक्ट लो? हाँ सर। मतलब ये कल का लो है ना भाई? हाँ। अभी इसमें क्या होना चाहिए, कोई ना कोई रेजिस्टेंस पे जाके इसको गिरना है करेक्ट? हाँ। लेकिन इसने क्या ब्रेक कर दिया, क्या मैं इधर एक पोजीशन बना सकता हूँ मैं ये लेवल? हाँ, को अगर गिरना है तो इसको रेजिस्टेंस बनना है ना भाई? हाँ नीचे गिरना है। इसमें 80 को टच किया, 79 को एग्जैक्टली उधर एक लेवल था। ओके इसका हाई क्या है, इसका हाई क्या है, 77 पॉइंट्स। हाँ 77.5 जो है वो एक लेवल है। हाँ एक्चुअली उसको उसने टच किया, उसके नीचे का लेवल जो है 1480। हाँ ओके क्या 1480 पे आपको एग्जिट होना है नहीं होना है वो भी बताया आपको? क्या इधर आया एक्चुअली इसको करना क्या, जब इसको टच किया क्या हाईएस्ट वॉल्यूम आया, ब्रेकआउट हो गया? हाँ जब वो ब्रेकआउट होता है तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये रिवर्सल है ना। हाँ इसके ऊपर है तो क्या करना है आपको, एग्जिट। ओके हाँ तो ऐसे आपको करना है। HDFC बैंक को आपने किए थे? नहीं HDFC किया था। HDFC हाँ सब कुछ हटा रहा हूँ। क्यों भाई किए थे? सेल किया था बाद में, लेकिन वो बाय हो नीचे से जाके ऊपर आ गया। नहीं भाई आपको क्या करना है वो पता होना चाहिए ना भाई पहले। हाँ इसमें हाइपो क्या है? सेल। ओके कौन सा मार्च में कौन सा दिन है भाई?
चेस में कौन सा लेवल है? 8 मार्क्स को। 8 मार्क्स है क्या अभी? एक मिनट देखेंगे। हाँ कितना टाइम है? 8 o'clock हो गया, अभी क्लास शुरू होगा भाई। 88 है करेक्ट, वही है देखो। हाँ पहला दिन है भाई, 2 मार्च का। ओके नहीं देखा है इसको उठने, ये पहला दिन है इसका। हाँ 8 मार्च को दिखा रहा था, दिखा रहा है मुझे 90। हाँ सॉरी सॉरी 90 है ना, 90 है। कब है? 8 मार्च। क्या लेवल है इसका? HDFC 20 का ही है। 20? हाँ पक्का? हाँ सर। अगर 20 का है तो इसका हाई है 216.60। हाँ सर, इधर मैं कह सकता हूँ इसका लो है 46 मतलब 60। हाँ अप्रोक्सीमेटली मार्क किया। ओके मार्च में, अप्रैल में कौन सा था? मुझे दिख रहा है भाई यही है, मगर मान लो इसका हाई लो मार्क कर लेता हूँ। ओके देखो इसको ट्रेड नहीं करना है आपको। ओके ओके क्यों बता रहा हूं? देखो जब इस ये ब्रेकआउट ट्रेड करो, इसके ऊपर ट्रेड करो, इसके नीचे ट्रेड करो, ये रेंज से ये रेंज तक ट्रेड करो। ओके ये छोटा छोटा रेंज को ट्रेड, इसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिला सर, बस 15 पॉइंट्स मिले। कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके हाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, इसको ट्रेड नहीं करना है, हटाना है। ठीक ओके तो ऐसे आपको करना है भाई। बाद में आपको एंट्री मिल जाता है, माइक्रो में देखते हो क्या? अगर फिर भी आपको इस पे क्या हाइप हो इसमें? मेरा तो सेल ही था, सेल नहीं करना है ना भाई, सेल वो लेवल के नीचे जाना चाहिए ना, सेल नहीं है, बाद में सेल का बात कर रहे हो आप। ओके मैं ऐसे ही बात करूं, क्या इसमें ब्रेकआउट है? हाँ ब्रेकआउट है, तो इसका मतलब है इसका जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम था ये इसको इसने ब्रेकआउट किया था, करेक्ट? हाँ हाँ सर, बाद में ये लेवल इसने इसको ब्रेक किया था, करेक्ट? हाँ ये लेवल को आपका एंट्री लेवल्स ये जोन पे होना चाहिए। ओके ये आपका सिग्निफिकेंट लेवल्स है। हाँ हाँ वही लेवल से ट्रेड हो रहा है। हाँ वही से हो रहा है, उसी को ट्रेड करना है अभी उसको। अभी ये बहुत हो गया ना भाई, इसको हटा लो। ठीक है इसका ब्रेकआउट है क्या? हाँ है ना, ये दिन पे इसने ब्रेक किया था, करेक्ट? ये इसका लेवल है, अगर शॉर्ट करना है ना ये लेवल से आपको करना है, क्लियर है ना? ठीक है सर, नीचे में ऊपर नीचे कोई ट्रेड नहीं है, आपको ट्रेड करना है यही है, नहीं तो इसके नीचे जाएगा ट्रेड करना है। ओके ओके हाँ ये लेवल्स को मॉनिटर करोगे तो हाँ आपको क्या पता है ये लो वोलेटाइल कैंडल है, करेक्ट? हाँ लो वोलेटाइल क्या कैंडल हाँ लो वोलेटाइल कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं? तो उसका हाई तो सेल मिलता है, क्यों मिलता है समझ में आ रहा है? इसका ब्रेकआउट इधर है भाई, देखो ये रेजिस्टेंस जोन ही है ना भाई, इधर से इसको सेल मिलना चाहिए जो भी है, लेकिन ट्रेड मत करो, मतलब इसमें है लेकिन अगर सेल भी हो गया तो इतना तो मिलता है। हाँ ठीक है सर, 2% तो है उसमें, ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जब भी आप ट्रेड करते हो हाई लेवल से। इधर आप बाई किए थे कौन से लेवल को ट्रेड किए थे? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, वो बताओ मुझे पहले क्यों ट्रेड कर रहे हो भाई? बाई ट्रेड नहीं है ना इसमें, तो क्या ट्रेड है? नहीं बाय नहीं किया था सर, सेल किया था मैंने इसमें, सेल किए थे लेकिन क्या लेवल से ट्रेड करना है समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर अभी समझ में आ गया। क्या एक रेजिस्टेंस है? हाँ एक कैंडल में हाँ रेजिस्टेंस है। क्या एक सपोर्ट है? ये मेरा अपर लेवल है, ये मेरा लोअर लेवल है, मानते हो क्या? हाँ ओके मुझे एक चीज बताना, ये कौन सा था? एशियन पेंट, सॉरी HDFC। ओ क्लोज होगा अभी, क्लोज कर दूंगा। ओके हाँ हाँ सर, थोड़ा मतलब वीडियोस बार बार देखना, टाइम लगता है भाई, इजी नहीं है। हाँ मतलब हाँ मतलब बोरिंग होता है ये सब, कौन करेगा ये सबको?
करके, ये कौन सा दिन पे ये लोन क्या ये लेवल के नीचे क्लोज दिया था क्या इसने? हाँ दिया था सर, ये लेवल के नीचे इसने क्लोज दिया था, करेक्ट? हाँ कब किया था? आज ही किया था, नहीं नहीं कल है ना, कल हाँ, किया कल था, उसने लो को ब्रेक किया था। ये लेवल के नीचे इसने क्लोज क्लोज दिया है, करेक्ट? इसमें डिलीवरी वॉल्यूम है क्या? हाँ है सर, है ना, हायर डिलीवरी हो। डिलीवरी है, करेक्ट? तो इसको शॉर्ट ही करना है। ओके क्या आज अंदर है, ये लेवल के ऊपर है क्या? देखो हाँ, लेवल के अंदर गया है, क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो नहीं है। हाँ तो नीचे गिरना चाहिए ना। हाँ लेकिन इसमें क्या है सर, इसमें ट्रेडेबल जोन नहीं है, ओके? हाँ आपने हाँ देखा ना उसका लेवल जो भी था, किधर था वो, यही था ना, ठीक है सर। ये लेवल पे इसको ट्रेड नहीं करना है, जोन तो बहुत कम है, ओके? इसलिए इसको अपसाइड में ट्रेड करना है क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। आप इसको ट्रेड कर सकते हो इसके नीचे, ओके ठीक ओके? हाँ है मुझे, सर, हाँ इसमें 3G को लगा लो, ओके? निफ्टी कौन सा, फाइनेंशियल सर्विसेज। आप इसको सेल कर रहे हो, करेक्ट? हाँ क्या एटलीस्ट कल का लो को तोड़ा है क्या, नहीं तोड़ा, या लास्ट वीक का लो को तोड़ रहा है क्या? नहीं तोड़ा सर, सेल करना है क्या? नहीं करना है। ओके, ये देखो कि हाँ भाई सर, कोई ना कोई दिन पे लो तोड़ेगा, वीकली का लो तोड़ेगा, ये शॉर्ट हो सकता है। ओके ठीक अभी है सर। इसमें टच मत करो, HDFC क्यों भाई, दुनिया भर का स्टॉक्स है। हाँ रिलायंस में ट्रेड हाँ करो, एक्सिस बैंक में ट्रेड करो, इन्फी में ट्रेड करो, ठीक है सर। कौन सा है हाँ वो, डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड करो। हाँ ये 5 मिनट्स वॉल्यूम का थोड़ा माइक्रो लेवल पे ध्यान दे दो, समझ में आ जाएगा, ओके? ठीक, सर, ठीक है हाँ ठीक है ओके भाई, मिलते हैं ठीक अभी, हाँ आधा घंटे का क्लास शुरू होगा मेरा, हाँ ठीक मिलते हैं है भाई, ठीक टेक केयर। है। हाँ संडे क्लासेस मिस मत करना ऑप्शन ट्रेड का। हाँ हाँ सर ठीक है, कोई स्टॉक को मॉनिटर कर रहे हो क्या ऑप्शन के लिए? सिप्ला को कर रहा था मैं, लेकिन अभी उसको छोड़ दिया मैंने। छोड़ने का नहीं, वही एशियन पेंट में ट्रेड नहीं करोगे कल, मतलब नहीं टारगेट, करूंगा, करूंगा ना, करूंगा करूंगा। ये लेवल है, ओके? मुझे कॉल करना, मतलब मैसेज डालना, टच हो गया बोल के, ओके? हाँ हाँ सी ठीक है टेक सर। केयर, टेक केयर, टेक केयर। सर एक्चुअली मेरे हाँ बताओ भाई, को फ्राइडे बेटी हो गई सर, मुझे फ्राइडे कॉन्ग्रेचुलेशन, कब हो गया? को हुआ सर, फ्राइडे को। आप क्यों ट्रेडिंग कर रहे हो भाई, मैं तो ऑलमोस्ट 1 मंथ चुक लिया था। ओके, बेटी हो गया, पहला पहला था क्या? दरअसल हाँ, पहली बेटी हुई है, ओके, शादी होकर कितना देर हो गया, मतलब 2 इयर्स? ये 1.5 साल हो गए सर। अच्छा, फाइन 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 फाइन, अभी तो शुरुआत है हाँ भाई, मतलब सब कुछ, हाँ सब थोड़ा टाइम लगाना हाँ इसके ऊपर, ओके? सबको अच्छा हो सही है, जाएगा। मैंने जॉब भी छोड़ दिया ना सर, इसकी वजह से अभी उसको पूरा फुल टाइम करने की सोच रहा हूँ मैं, सोचना इसकी मत भाई, वजह जब तक से। होल्ड नहीं आते ना तब तक करना नहीं है, ओके? अच्छा एक बार आपने 10,000 डाल दिया, उसको निकाल दिया बाहर, कितनी बार नहीं निकला है? निकाला, हाँ नहीं तो नहीं नहीं करना है ना भाई, निकाला। हाँ मतलब वो करना है हाँ पहले, हाँ अच्छा इस पे ठीक लर्निंग आपका टूट जाएगा, ओके? अगर फोकस हाँ नहीं है तो, ये नहीं है तो, ओके सर हाँ ठीक फाइन भाई, है मिलते हैं, सर। हाँ टेक केयर, हाँ सर ओके, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन सर, सके ना, टेक केयर, ओके थैंक यू सर। बाय।